आगरा से बड़ी खबर। आगरा में फर्जी एसआईटी पहुंची शिक्षा विभाग। क्लर्क को एसआईटी की जांच के नाम पर धमकाकर वसूल किए 80,000 रुपए। साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के बाद ठगों ने निकाला नया तरीका। फर्जी एसआईटी ने 1 घंटे तक क्लर्क को बनाया बंधक। घटना से 3 दिन पूर्व एक महिला आई थी स्कूल की मान्यता की जानकारी करने। स्कूल की मान्यता के बारे में की चर्चा और पूछा कितना खर्च आएगा। बाबू ने बताए थे 3 लाख रुपए। बाद में महिला कुछ लोगों के साथ पहुंची और अपने आप को बताया एसआईटी से। कहा अपने रिश्वत मांगी, उसकी जांच करने आए हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग में मामला चर्चा का विषय है। एक महिला आती है यहाँ और मुझसे उल्टी सीधी बातें करके मुझसे मान्यता के संबंध में बातें करती हैं और वो यहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके बाद वो 19 तारीख को आती हैं और उनके साथ में 3-4 बंदे होते हैं और वो बंदे आकर के फिर मुझे इस तरीके हरेसमेंट किया जाता है कि मुझसे पैसे की मांग की जाती है। फिर मुझे जाकर के बैंक से जाकर के पैसे निकाल कर देती है। वो क्या बताते हैं अपने आप को, क्या परिचय देते हैं अपना? वो अपने को कहते हैं, कभी एसआईटी कह रहे थे स्टार्टिंग में, फिर वो कह रहे हैं कि हम नोएडा न्यूज से आए हैं और पर उनके न्यूज वाले कोई खबर की मैं जानकारी नहीं रखता हूँ वो किस न्यूज में पूछते थे। ऐसा कितने घंटे तक आपको कमरे में उन्होंने बैठाए रखा? करीब करीब 1 या 1.5 घंटे करीब मैं उनके पास रहा। कैसी बात है कहीं आपका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन्न हो गया। बिल्कुल इस सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसके संबंध में मैं उस समय की बात को सोचता तो मैं भयभीत हो जाता हूँ। वो आपसे बार बार कह रहे थे गिरफ्तार हो जाएंगे, टीम बाहर खड़ी। हाँ, क्या था ये, क्या कैसे डरा रहे थे? वो बार बार यही कह रहे थे कि बाहर टीम खड़ी हुई है, आपके यहाँ की ये शिकायत है, आपके उच्च अधिकारियों ने इस तरीके से किया है और ये किया है और आपकी भी बहुत शिकायतें गई हुई हैं और हम और रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है। इस तरीके उन्होंने मेरे साथ में बहुत बड़ा हरेसमेंट किया। कितने रुपए ले गए आपसे? मेरे से 80,000 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सर पैसे नहीं है। बोले तो कहीं से भी व्यवस्था कीजिए, पैसे निकालिए। फिर मैं बैंक तक गया तो उन्होंने अपना एक बंदा बैंक तक भेजा और SBI न्यू सागंज, और वहाँ से 80,000 रुपये मैंने चेक के द्वारा वहाँ से लिए और उनको प्राप्त कराए। आपके किसी अधिकारी के पास भी वो गए थे डराया धमकाया? हाँ, डिया साहब के पास वो गए थे और उनको भी थोड़ा सा बहुत मेंटली हरेसमेंट करना चाह रहे थे। और डिया साहब को उस दिन एकलव स्टेडियम में उस दिन गेम का समापन होना था, इसलिए वो जल्दी में थे।